दोस्तों नमस्कार। आज चलिए जानते हैं मरीच के बारे में। मरीच जिसका नाम है, लैटिन नाम पाइपर नाइग्रम है, संस्कृत में बोलते हैं मरीच या बेल्लज। बेल्लज मतलब लताओं में होने वाला होता है। कृष्ण जो कि इसका फल काले रंग का होता है, इसका एक और नाम है सुवृत, चूँकि फल गोलाकार होता है। हिंदी में बोलते हैं काली मिर्च या गोलकी, मिर्च भी बोला जाता है। बांग्ला में बोलते हैं गोल मरीच, मराठी में बोलते हैं मिरी, गुजराती में मरी या काला मरी, तमिल में बोलते हैं मिलागू, तेलुगु में मिरियाल तीगे, कन्नड़ में बोलते हैं कारे मनेशु, मलयालम में नल्लमुल्को, अरबी में बोलते हैं फिलफिल अश्वद, फारसी में फिलफिल स्वाहा और अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लैक फीवर। ये बहुवर्षायु शाखान्वित झाड़ीदार आरोहिणी लता होती है, जो किसी भी वृक्ष जैसे बांस हुआ, सुपारी, नारियल या किसी भी वृक्ष के सहारे ये चढ़ जाता है और इसकी शाखाएं काफ़ी दृढ़ और काफ़ी लंबे होते हैं, जिनके द्वारा ये वृक्ष पर चिपकी हुई होती है। इसका पत्ता जो है तंबूल के जैसा होता है और 5 से 7 इंच लंबे होते हैं, 2 से 5 इंच चौड़े, 2 से 3 जोड़ी दृढ़ सिराओं से युक्त होते हैं। ये इसका फूल छोटे और एकलिंगी मंजरियों में होते हैं, लगभग ये एक्चुअली स्त्री पुष्प 2 परागकोष तथा पुरुष पुष्प में एक ही स्त्री के सर होता है। द्विलिंगी पुष्प जितने अधिक होंगे उपज उतना ही अधिक होता है। इसका फल होता है गोल या गोलाकार अंडाकार छोटा छोटा गुच्छों में होता है। ये कच्चा में हरे रंग के होते हैं और पकने पर या सूखने पर ये काला हो जाता है। बीजावरण पतला, बीज मज्जा कठिन होता है। जून जुलाई में इसके फूल आते हैं तथा दिसंबर से मार्च तक इसके फल आ जाते हैं और उसके बाद ही ये फल संग्रह किया जाता है। ये एक अच्छा मसाला के तौर पे भी यूज होता है। लगभग भारत में सभी जगह पे इसका व्यवहार होता ही है। संस्कृत शास्त्र में, आयुर्वेद शास्त्र में इसके 2 तरह के मरीच का बोला गया है। एक है श्वेत मरीच और एक होता है काली मरीच। सिग्रू बीज को कुछ लोगों ने श्वेत मरीच के तौर पे यूज बोले हैं, व्यवहार किए हैं। वस्तुतः तो अगर देखा जाए तो ये ऊपर का छिलका अगर उतार दिया जाए काले मिर्च का, तो सफ़ेद मिर्च अंदर से दिखाई देता है। तो कुछ संगीतकारों ने इस काली मिर्च का ही मैंने 2 पार्ट, एक जो ऊपर वाला स्किन होता है अगर छिलका रहा हुआ है तो काला देखने मिलेगा और छिलका को उतार दिया जाए तो फिर वो सफ़ेद रंग का मिलता है, सफ़ेद रंग का होता है। तो इसीलिए कुछ हमारे विद्वानों ने एक ही चीज़ को 2 प्रकार के माने हैं, लेकिन कुछ संगीताकार ने इनको 2 अलग अलग प्रजाति का भी माना है। काली मिर्च सुखाए हुए पूर्ण माने फल एक जो है आकृति लगभग 3 से 4 मिलीमीटर व्यास का होता है और उसको जो है आराम से रखा जाता है। इसके अंदर में एक बीज होते हैं जो केंद्र से रिक्त होता ही है। इसका जो है फल मंजरियों से फल को अलग कर लिए जाते हैं और सुखा के रख लिए जाते हैं। चलिए इसके जानते हैं कुछ, इसके कहाँ कहाँ मिलता है थोड़ा सा पहले हैबिटेट के बारे में जान लें। मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, भारत में मिलता ही है। भारत के
केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और असम में इसकी जो है खेती होते रहता है। और ये वैसे खास करके देखा जाए तो ज़्यादातर जो गोलकी है, गोलकी मलाबार और तेलीचेरी से ही जो है आहरण किए जाते हैं। चलिए जानते हैं इसके प्रयोग के बारे में। सबसे पहले एक्सटर्नल प्रयोग लेते हैं, तो ये सफ़ेद दाग, पामा या कीलास इत्यादि का जो चर्म रोग होते हैं तो उसका लेप किया जाता है या तेल में मिलाकर इसको लगाया जाता है। कहीं अगर सूजन है, दर्द है तो वहाँ पे भी इसका लेप किया जाता है। ऐसे फुंसी वगैरह में अगर इसका लेप किया जाए तो फुंसी तुरंत बैठ जाता है और आपको दो चार दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए एक बहुत अच्छुक उपाय बताता हूँ इसका। ये दंतसूल, दांत में जो दर्द होते हैं, लगभग बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस समय अगर इसका काढ़ा आप गंडूस करें, यानी मुंह में रख के बारी बारी कुल्ला करें और काफ़ी देर तक मुंह में रखें तो दंतसूल कम हो जाएगा, दंतसूल लगभग ख़त्म ही हो जाता है। दांतों में कभी कभी बहुत कीड़े लग जाते हैं जिसको दंत कृमि बोलते हैं, तो इसका मंजन कर देने से, अगर पाउडर बना के इसको दांत में मंजन करें तो ये दंत कृमि ख़त्म हो जाता है और मुंह में रख के इसको चूसने से भी दंत कृमि ख़त्म हो जाते हैं। अभ्यंतरीण के बारे में जानते हैं। सबसे पहले नर्वस सिस्टम में ये किसी भी तरह का बात विकार में ये लाभकारी होता है। इसके अलावा पाचन संस्थान में जैसे अजीर्ण है या यकृत का किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, आपका अफरा है या पेट में दर्द है, सूल है, तो उस समय में भी आप इसका चूर्ण जो है लगातार यूज़ कर सकते हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। खांस, खांसी, काश या श्वास, अस्थमा, प्रतिशाही सब में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। अगर किसी भी तरह का जैसे मूत्र विक्ष जिसमें जो प्रोस्टेट एनलार्ज होने के बाद तो सब बहुत कष्ट से आता है, तकलीफ से आता है, निकलता नहीं है, तो उस समय में गोलकी का चूर्ण आराम से दीजिए और लेते रहिए तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसके अलावा पुरुषों में ध्वजभंग, जहाँ प्रॉपरली जो पुरुषांग का तीक्ष्णता है, मतलब जो दृढ़ता है वो आता नहीं है, तो उस केस में भी इसका चूर्ण जो है काफ़ी अच्छा लाभकारी है ये। इसके अलावा जो है स्त्रियों के लिए अगर मेंस्ट्रुएशन के समय में रजरोध बाधक होता है या दर्द से माहवारी होता है तो उस समय में भी इसका यूज़ कर सकते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। ये सभी तरह का चमड़ा का प्रॉब्लम में भी यूज़ करते हैं और इसका एक खास प्रयोग बताते हैं। जो शीत जर होता है ना, कभी दे के जो ठंडा लग के बुखार होता है, तो उसमें इसका बहुत अच्छा यूज़ है। ये शरीर का जो है कष्ट, उस समय शरीर में बहुत तीव्र पीड़ा होता है, तो तीव्र पीड़ा को भी कम कर देता है और साथ में बुखार भी घटा देता है। इसका यूज़ करना क्या है, कैसे, तो इसका फल ही यूज़ करना है, माने आधा से एक ग्राम तक बलानुसार यूज़ कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसके कुछ विशिष्ट चूर्ण भी हैं, जैसे मरीचादि चूर्ण है या मरीचा दघीत है, मरीचादि तेल है, गुटिका है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, इसमें एक प्रॉब्लम होता है। आजकल कुछ असाधु जो व्यापारी होते हैं और वो लोग बहुत जो है पपीता का बीज इसमें मिला देते हैं, तो पपीता का बीज अगर मिला हुआ है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, जांच पड़ताल करके इसका यूज़ करते रहिएगा। थैंक यू।
वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा मुझे भी प्रोत्साहित करें और शेयर करें, लाइक करें, और अगर किसी तरह का कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें, प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।